बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूँ शुमैरा नियाज और मैं हूँ जहांगीर खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मशरिक वस्ती में कशीदगी कम कराने का मिशन, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कल रियासत का दौरा करेंगे, तनाज़े से बचाव की ज़रूरत पर जोर देंगे, हालिया सूरतहाल पर पाकिस्तान के नुक्ता आगाह से आगाह करेंगे। ईरान यूक्रेनी त्यारा तबाह करने की मुकम्मल जिम्मेदारी ले। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो का ईरान से कशीदगी कम कराने के लिए इकदाम का मुतालबा। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं तहकीकात के लिए किसी भी आलमी एजेंसी को खुशामदीद कहेंगे। ट्रंप के ईरान पर फिर लफ्जी गोलाबारी, तैयारा तबाही के खिलाफ ईरान में एहतजाज पर नजर है। अमरीकी सदर का फारसी में ट्वीट। मुसल्ला फौज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात मामूल की हर्जा सराई है। DGISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्दअमल, कहा भारतीय आर्मी चीफ अपनी आवाम को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। बयान अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका का मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत और शहरियों की हिरासत पर तश्वीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदियों पर भी इजहार तश्वीश। अमरीकी नायब मुआवन वजीर खारजा एलिस वेल्स कहती हैं भारत में अमरीकी सफीर दीगर सफारतकारों के हालिया दौरे जम्मू कश्मीर का करीबी जायजा ले रहे हैं। कहा अमरीका मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आने का मुंतजर है। मकबूजा वादी को जेल में तब्दील हुए 161 रोज गुजर गए। एक हफ्ते में 36 से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर वादी में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। सादिकाबाद में फसलों पर स्प्रे के दौरान छोटा तैयारा गिर गया। दो पायलट जाम भाग जहाज टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे कर रहा था। गुजरात के नवाही गांव कोच में शॉर्ट सर्किट के बाईस आग लग गई। 6 अफराद जान बहक, मां दो बेटे और 3 बेटियां शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके, शहरियों में खौफ और हिरास। कलमा तैयबा पढ़ते घरों से निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 थी, जिसकी गहराई 15 किलोमीटर और मरकज चल्लास से 58 किलोमीटर जनूब मशरक का इलाका था। लंदन में जेरे इलाज नवाज शरीफ के दिल के ऑपरेशन का फैसला। डॉक्टर ने अस्पताल दाखिल होने का मशवरा दे दिया। हामिद करजई की भी साबिक वजीर आजम की इयादत। सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक सिंध की पुरेसार गुमशुदगी का मामला हल। जमील मेंद्रा अचानक घर वापस पहुंच गए। अहलिया ने पुलिस को आगाह कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल का 7वां रोज। हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा। ट्रांसपोर्टर्स की 72 घंटे में मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल की धमकी। कराची वालों जल्दी कर लो, सिंध भर में CNG स्टेशन 12 घंटे के लिए खुल गए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गाड़ियों में गैस भरवाने की मोहलत। CNG स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें।
کوئٹہ گردنوا میں شدید برفباری، زیارت پشین مستونگ اور کلات میں بھی برفباری، وادی زیارت میں برفباری سے کوئٹہ زیارت شاہراہ بند، کوشک ٹاپ اور شدید برفباری، کوئٹہ چمن شاہراہ بھی بند، امدادی کاروائیاں جاری، تربت نوکنڈی ماشکل میں موسلا دار بارش۔ آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں پھر بارش اور برفباری، مظفر آباد اور دیگر وادیوں میں بارش اور پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برفباری، لوور دیر میں بھی بارش اور برفباری، شاہی اور ربن شاہی کے رابطہ سڑکیں بند، ملکہ کوثار مری میں رات سے اب تک 2 انچ تک برف پڑ چکی، لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، پنجاب، کراچی سمیت سندھ میں بارش کی پیش گوئی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ اور احمد فراز زندہ ہوتے تو آج 89 برس کے ہوتے، نامور شاعر کی سالگرہ، منفرد کلام آج بھی زبان زد عام۔ ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں ہم کو رہنے دو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں ہم کو رہنے دو، ہم پالنہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے۔